हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताओ, आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये है हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ है सेकंड ईयर के लिए सोशियोलॉजी का तृतीय सेमेस्टर का। हम यूनिट नंबर 3 आज अभी स्टार्ट करने वाले। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 को हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वीडियोस देख सकते हैं। यूनिट नंबर 3 का आपका नाम है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। कई सारे विद्वानों का यह मानना था कि हमारा समाज जो परिवर्तित हो रहा है, हमारा समाज जो चेंज हो रहा है, लगातार आप देखो कि समाज में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। चाहे आप प्राचीनतम समय से देखते चले आओ, आज के टाइम पीरियड में देख लो या आने वाला टाइम पीरियड देख लो, हर टाइम पीरियड में क्या होगा, समाज बदलता रहेगा। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि यह परिवर्तन क्या है, चक्रीय सिद्धांत पर काम कर रहा है। तो इस संप्रदाय में तमाम सारे विद्वान हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं। तो इस संप्रदाय के विद्वानों का यह मान्यता है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। एक चक्र कैसे होता है, इस तरीके से चलता रहता है चक्र। तो समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है और हम जहां से चलते हैं घूम करके वहीं पहुंच जाते हैं। मतलब जैसे एक चक्र है, हमने यहां से चलना स्टार्ट किया और एक चक्र की तरह हम चले और घूम करके फिर वहीं पे पहुंच गए, फिर चलना स्टार्ट किया फिर वहीं पे पहुंच गए। तो इस तरीके से इस संप्रदाय के विद्वानों का मानना है कि जो समाज है वो बदलता रहता है और ये बदल करके हमने जहां से स्टार्ट किया था फिर से घूम करके वहीं पहुंच जाते हैं। और इस संप्रदाय को मुख्य रूप से सपोर्ट करने वाले समर्थकों में स्पेंगलर का नाम आता है, पेरेटो का नाम आता है, टाइनबी का नाम आता है और सोरोकिन का नाम आता है। और इन चारों विद्वानों के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है कि चारों विद्वानों का सामाजिक परिवर्तन को लेकर के क्या विचारधारा रही है, ये सामाजिक परिवर्तन को किस नजरिए से देखते हैं और इनके सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य क्या है, वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेंगलर का, कि स्पेंगलर का चक्रीय सिद्धांत क्या कहता है। तो स्पेंगलर आपको पता है कि जर्मनी के बहुत ही माने जाने विद्वान है, जर्मनी के विद्वान है स्पेंगलर। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इनका एक बुक था, बुक का नाम है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। वेस्ट का डिक्लाइन, वेस्ट जब डिक्लाइन करेगा क्या होगा, वेस्ट का डिक्लाइन किस तरीके से है, उसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है कि सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, क्या चीजें चेंज आ रही है। और इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए मनुष्य के जीवन का एग्जाम्पल लिया है कि जैसे मनुष्य होता है, वो पैदा होता है, फिर उसका शिशु लाइफ चलता है, फिर युवा अवस्था चलता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है, वृद्धावस्था आता है, फिर वो मर जाता है और फिर से उसका पुनर्जन्म होता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये सिलसिला जो चलता रहता है, ऐसे ही सेम इसी के तरीके से स्पेंगलर के अनुसार यही जो चक्र है, ये समाज के उत्थान पतन और विनाश के रूप में देखा जाता है। कि समाज का उत्थान होता है, समाज का विकास होता है, समाज बढ़ता है, निर्माण होता है, पतन होता है, उसका विनाश होता है, फिर से समाज बनता है। एक समाज खत्म हुआ, सभ्यताएं खत्म हुई, फिर से वो सभ्यताएं जन्म लेती है। तो इस तरीके से समाज का भी उत्थान चलता रहता है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए स्पेंगलर ने दुनिया की 8, पूरे विश्व की 8 जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं का अध्ययन किया और उन सभ्यताओं के अध्ययन के आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने जिन जगहों का, जिन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया था, उसमें अरब का था, मिस्र, जो मेजियन है, रूसी है, पश्चिमी संस्कृति हो गया, यामा हो गया, एशियाई संस्कृति हो गया, इन सभी का इन्होंने अध्ययन किया और इनके उत्थान, निर्माण, विकास और विनाश, इनको दर्शाया कि किस तरीके से ये चीजें होती है और ये रिपीटेड वे में चक्र के रूप में चलती रहती है। पश्चिमी समाजों का जो आज प्रभाव है, इनका मानना था, स्पेंगलर कहते हैं कि पश्चिमी समाज जो वेस्टर्न कंट्रीज है, आज हम देखते हैं, आज हम हर चीज में वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो पूंजीपति है, पूंजीवाद उनका युग है, औद्योगिकरण वहां पर बहुत ज्यादा हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो आज क्या हो रहा है, पूरी दुनिया वेस्ट का फॉलो कर रही है, वेस्ट के लोग किस तरीके से पहनते हैं, वेस्टर्न क्या कल्चर है। तो दुनिया अभी क्या हो रही है, वेस्टर्नाइज हो रही है। पश्चिमी समाजों को जो आज प्रभाव पूरी दुनिया पर है, वो भविष्य में समाप्त हो जाएगा। स्पेंगलर का मानना है कि थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि उनका जो ये प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। और प्रभाव समाप्त होकर के क्या होगा कि जो एशिया के पिछड़े कंट्रीज जो आज आपको देखने को मिल रहा है, एशिया में तमाम सारी ऐसी कंट्रीज है जो पिछड़ी है, मैक्सिमम कंट्रीज पिछड़ी हुई है एशिया की, तो एशिया के जो पिछड़े देश है वो आर्थिक और सैनिक शक्ति के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उनका दबदबा आएगा और जो पश्चिमी समाज है इसका भविष्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, इसकी जो पावर है वो धीरे धीरे समाप्त होगी और एशियाई पावर बढ़ेगा, ऐसा स्पेंगलर का मानना है। तो इन्होंने इस तरीके से समाज को बताया कि समाज किस रूप में है, चक्रीय रूप में परिवर्तन होता रहता है। तो ये था स्पेंगलर का चक्रीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत को लेकर के स्पेंगलर की सोच। अब बात करते हैं दूसरे विद्वान जिसमें आते हैं टाइनबी। टाइनबी का विचार हम देखते हैं कि टाइनबी का चक्रीय सिद्धांत किस चीज पर आधारित है और अपने चक्रीय सिद्धांत पर टाइनबी ने किन किन चीजों के बारे में बात किया है। तो ये टाइनबी जो है, ये इंग्लैंड के बहुत माहिर, बहुत ज्यादा विद्वान इतिहासकार थे और इन्होंने विश्व की 21 प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया। इन्होंने दुनिया की जो है, स्पेंगलर ने केवल 8 प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया था, इन्होंने दुनिया की 21 प्राचीनतम सभ्यताओं का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री,
हिस्ट्री की एक इतिहास, हिस्ट्री की कहानी, हिस्ट्री का अध्ययन, और इसका इन्होंने चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनको लिखकर इसमें इन्होंने चक्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस चक्रीय सिद्धांत में इन्होंने क्या चीज रखा, तो इनका जो चक्रीय सिद्धांत था या समाज के परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत था, वो चक्रीय सिद्धांत था कि जिसको इन्होंने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत भी कहा है कि हमको कुछ चुनौतियां मिलती है, हम उसका उत्तर देते हैं, फिर सामने वाला गिरता है, फिर हम ऊपर उठते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने चुनौती और प्रत्युत्तर के सिद्धांत के रूप में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को दर्शाया हुआ है। इनका मानना है कि जैसे कोई भी सभ्यताएं जन्म लेती है या दुनिया में कहीं भी मनुष्य ने कुछ किया है, तो सबसे पहले उसके सामने सभ्यताओं के निर्माण से पहले क्या था, बहुत बड़ी चुनौती थी जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, जो भौगोलिक चुनौतियां थी हमारे सामने कि इस समय तुम अपने आप को स्टेब्लिश कैसे करोगे, इस जगह पर तुम अपने आप को स्टेब्लिश कैसे करोगे। तो वहां पर मनुष्य ने प्रत्युत्तर देते हुए, उत्तर देते हुए उसमें एफर्ट लगाया, मेहनत किया और अपनी सभ्यता का निर्माण किया। तो इस तरह से कहा है कि प्रकृति द्वारा मनुष्य को चुनौती दी गई, भौगोलिक चुनौती आई, भौगोलिक चुनौती को पार कर लिया, फिर सामाजिक चुनौती भी आई कि समाज को कैसे स्टेब्लिश करोगे, कैसे उसमें नैतिकता लेकर के आओगे, कैसे संस्कृति डेवलप होगी। तो समाज भौगोलिक चुनौती के बाद सामाजिक चुनौती आई और इन सब चुनौतियों से लड़ा कौन, मनुष्य। जो शक्तिशाली था, जो पावरफुल था, वो लड़ा और आगे बढ़ा और अपनी सभ्यता को आगे ले गया, और बाकी जो नहीं लड़ पाए वो नष्ट हो गए। तो टाइरवी का मानना है, टाइरवी ने इस आधार पर प्रस्तुत किया अपने जो चक्रीय सिद्धांत है। तो टाइरवी ने चक्रीय सिद्धांत में कहा कि समाज और सभ्यताएं भी इसी तरीके से होती है कि सभ्यताएं लड़ करके निर्माण करती है, सभ्यताएं विकास होता है, और फिर कोई दूसरी सभ्यता आती है, कुछ चीजें आती है और उससे क्या होता है, इसका विनाश हो जाता है, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। और इस चीज को दर्शाने के लिए उन्होंने सिंधु और नील नदी की घाटियों पर जो सभ्यताएं जन्म लिया, उन सभ्यताओं को जन्म लेने के लिए लोगों ने कितनी एफर्ट लगाई, मेहनत किया, सभ्यताएं जन्म ली, फले फूली, बहुत विकसित हुई, और उस विकास के बाद एक टाइम के बाद क्या हुआ, उनका पतन हो गया, और फिर से कई सारी सभ्यताएं आई, उन्होंने विकास किया और उनका पतन होता गया। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य क्या करता है, चुनौती स्वीकार करता है, उसका प्रत्युत्तर करता है, फिर चुनौतियां आती है, फिर स्वीकार करता है, प्रत्युत्तर करता है। इस तरीके से समाज में क्या होता है, परिवर्तन लगातार चक्रीय फॉर्म में चलता रहता है। अब आइए देखते हैं कि पेरेटो और सोरोकिन ने इस बारे में क्या चीज कहा हुआ है। पेरेटो का जो चक्रीय सिद्धांत है ना, ये चक्रीय सिद्धांत के बारे में इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी, इनकी पुस्तक थी माइंड एंड सोशियोलॉजी, माइंड एंड सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बात किया। और इस सिद्धांत को इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से जो समाज में परिवर्तन होता है वो चक्रीय माध्यम से होता है। पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन को वर्ग व्यवस्था के परिवर्तन के आधार पर स्पष्ट किया है। इन्होंने कहा है कि समाज में हमेशा दो वर्ग रहे होंगे, जो भी समाज रहा है हमेशा से इसमें दो वर्ग रहे। इसमें एक वर्ग की बात इन्होंने किया है उच्च वर्ग का, और एक वर्ग की बात किया है इन्होंने निम्न वर्ग का, और उच्च वर्ग को ही पेरेटो ने अभिजात वर्ग कहा है। जो अभिजात वर्ग का सिद्धांत दिया हुआ है ना, तो इन्होंने उच्च वर्ग को अभिजात वर्ग कहा हुआ है। और इनकी थ्योरी ये थी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो जब भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उनके जो जीवन होती है वो भ्रष्ट की तरफ चली जाती है, और जब व्यक्ति भ्रष्टता की तरफ जाता है तो क्या होता है, निम्न वर्ग की तरफ बढ़ जाता है। और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो अपनी योग्यताओं के आधार पर, अपनी कुशलता के आधार पर, वो अपनी योग्यताओं को डेवलप करते हुए सामाजिक कुशलता के आधार पर वो पहुंच जाते हैं कहां, अभिजात वर्ग पर। तो इस तरीके से सिचुएशन चलती रहती है कि अभिजात वर्ग के लोग धीरे धीरे निम्न वर्ग की तरफ आते हैं, निम्न वर्ग वाले अभिजात वर्ग की तरफ जाते हैं, फिर ये चक्र चलता रहता है। और इस तरीके से इन्होंने अपने परिवर्तन को चक्रीय सिद्धांत का नाम दिया हुआ था। अब देख सकते हो इन्होंने यहां पर डायग्राम के हिसाब से भी समझाने की कोशिश किया है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा कि यहां पर है अभिजात वर्ग और यहां पर है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के लोग जब योग्यता और गुणों में वृद्धि करते हैं, जब अपनी योग्यताएं बढ़ाते हैं, अपने गुणों को बढ़ाते हैं, तो वो सामाजिक कुशलता में भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और जब योग्यता और गुण है, सामाजिक कुशलता में वृद्धि हुई, तो ये कहां पर आ जाते हैं, अभिजात वर्ग में आ जाते हैं। और अभिजात वर्ग में जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो, क्योंकि अभिजात वर्ग है, उच्च वर्ग है, पैसे हो गए, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो वो विलासपूर्ण जीवन जीने लगते हैं। और जब विलासपूर्ण भोग विलास के जीवन जीने लगते हैं तो उनका जीवन क्या हो जाता है, भ्रष्ट जीवन हो जाता है, और भ्रष्ट हो गए तो धीरे धीरे क्या होगा, वो निम्न वर्ग में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और समाज क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरीके के बदलाव को, इस तरीके के परिवर्तन को क्या कहते हैं, चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ये चीजें आती है कि चक्रीय परिवर्तन होता है समाज का। ओके, तो ये था बेसिकली पेरेटो के चक्रीय सिद्धांत का माध्यम। अब बात करते हैं सोरोकिन महोदय का। सोरोकिन महोदय ने चक्रीय सिद्धांत पर अपनी क्या राय रखी है, तो इनकी बहुत फेमस बुक है एक, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। सोशल और कल्चरल डायनेमिक्स में इन्होंने एक सिद्धांत दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, जिसको इन्होंने सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत के नाम से जाना हुआ है। इन्होंने बताया है कि ये जो इनको सिद्धांत है, ये कौन सा सिद्धांत है, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, और ये एक तरीके का चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि समाज जो होता है ना,
जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है, समाज बदल रहा है, क्योंकि दुनिया है, हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है प्रकृति में, हर एक सेकंड आपकी बॉडी में हजारों सेल्स टूट रहे हैं, हजारों नए सेल्स आ रहे हैं, तो परिवर्तन तो हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन जो है ना, ये घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, जिस तरीके की घड़ी का पेंडुलम चलता है, ऐसे ही सामाजिक परिवर्तन भी चलता रहता है। इन्होंने संस्कृति को दो मुख्य प्रकारों में बांटा हुआ है, एक चेतनात्मक संस्कृति और एक दूसरा क्या है, भावात्मक संस्कृति। इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए, अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, इन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांट करके वर्णन किया है मुख्य रूप से, एक है चेतनात्मक संस्कृति और दूसरा है आपका भावात्मक संस्कृति। और इन्होंने बताया कि समाज इन्हीं दो संस्कृतियों के बीच में घूमता रहता है। जब कोई समाज चेतनात्मक संस्कृति पर है तो वो धीरे धीरे भावनात्मक संस्कृति पे आता है, और भावनात्मक संस्कृति धीरे धीरे चेतनात्मक संस्कृति पे जाती है, और भावनात्मक संस्कृति से चेतनात्मक संस्कृति तक जाते हुए बीच में एक ऐसा स्थान आता है जो कि इन दोनों का मिक्सचर होता है। और इसी तरीके से भावनात्मक संस्कृति से चेतनात्मक संस्कृति में आते हुए भी एक बीच का पॉइंट आता है जहां पर क्या होता है, ये दोनों मिक्सचर होता है, और उस पॉइंट को इन्होंने कहा है कि एक आदर्शात्मक संस्कृति भी होती है जो कि दोनों के मध्य पाई जाती है। और सोरोकिन ने संस्कृति के परिवर्तन का कारण जो बताया है वो कहा है प्राकृतिक और आंतरिक नियम है, कि प्रकृति में हर एक चीज चेंज होता है, नेचर हमेशा चेंज हो रहा होता है, तो उसी के अनुसार हमारा समाज भी चेंज हो रहा होता है। और सोरोकिन ने बताया हुआ है कि 20वीं शताब्दी का जो पश्चिमी सभ्यता है वो चेतनात्मक संस्कृति की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, यानी कि 20वीं और 21वीं शताब्दी का जो पश्चिम है, जो जो है पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, कौन सी संस्कृति का, चेतनात्मक संस्कृति का, और ये बहुत जल्द फिर से क्या होगा, भावात्मक संस्कृति की तरफ लौटने वाला है। तो इस तरीके से जो ये संस्कृतियां भावात्मक से चेतनात्मक, चेतनात्मक से भावात्मक, तो ये बदलती रहती है, तो इसी को इन्होंने कहा है कि सोरोकिन का ये चक्रीय सिद्धांत है। और इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से भी उन्होंने ये चीज बताने की कोशिश किया हुआ है कि संस्कृति जो होती है ये दो टाइप की हो सकती है, भावात्मक और चेतनात्मक, और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसको आदर्शात्मक संस्कृति कहा जा सकता है। तो ये था बेसिकली सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, चार लोगों के माध्यम से हमने आपको समझा दिया। पेरेटो उसमें आ गए, सोरोकिन आ गए, आपके स्पेंसर आ गए, पेरेटो आ गए, उन सभी चीजों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।